लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं आपको हर रोज किसी न किसी एरिया का जीती जागती तस्वीर दिखाते रहूंगा, कुछ वीडियोस दिखाते रहूंगा कि लोग कितने सतर्क हैं, कितने सजग हैं। वैसे आपको पता ही होगा कि कुछ लोग बैठे हुए हैं, देखो माहौल काट रहे हैं। देखो सुबह सुबह ही दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने 19 दिन का लॉकडाउन आगे बढ़ाने की घोषणा की है। देखिए देश के सामने सच में बहुत बड़ा संकट है, हमें समझना पड़ेगा। ये संकट सिर्फ मेरे आपके लिए या नरेंद्र मोदी के लिए या किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं है, ये संकट समस्त देशवासियों के लिए है। मैं अभी हूं बिलासपुर के राजकिशोर नगर एरिया में, देखना चाह रहा हूं कि लोग कितने जागरूक हैं, कितने लोग मास्क लगाए हैं, कितने लोग लॉकडाउन का सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं। ये कुछ आंटियां दिख रही हैं, कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं, चेहरे पे मास्क भी नहीं है। ये भाई साहब तो मास्क में दिखे, देखिए यहाँ पे भी चौकीदार लोग हैं, चेहरे पे कोई मास्क नहीं लगाए हुए। ये देखिए गंवारों को, पढ़े लिखे गंवारों को। ओ भाई साहब एक साथ मत बैठिए ना, चार लोग है ना, अलग अलग होके। ये राजकिशोर नगर का एरिया है, क्या बोलेंगे, समझा समझा के थक चुके हैं। पुलिस वाले चिल्लाते रहते हैं, माइक में अनाउंसमेंट करते रहते हैं। ये देखिए कुछ लोग, वैसे हम जा रहे हैं सरकंडा से मोपका चौक की तरफ, देखते हैं। देखिए ये मोपका चौक का एरिया है जहां पर पुलिस वालों की अलर्टनेस देखने को मिल रही है। यहां वो सब लोग बैठे हुए हैं, जैसा मैं देख रहा हूँ कि बस हाँ ठीक है निकल जाना है, टहलना है। और कुछ लोग तो ऐसे भी नजर आए मुझे जो पुलिस से लुका छुपी खेल रहे हैं, मानो पुलिस बचपन का गेम याद दिला रही हो, चलो छुपो, पुलिस जैसे ही जाती है वैसे ही बाहर निकलो। ये देखिए कुछ लोग खुले आम सड़कों पे, ये बच्चियां हैं कुछ जो कुत्ते टहलाने के लिए शायद निकले हैं, इनके भी चेहरे पर किसी भी प्रकार का मास्क नहीं है, ना ही कोई सेफ्टी का ख्याल रख रही है। ये किन किन को समझाएं, कैसे कैसे समझाएं, सुबह से लेकर शाम तक के टीवी पे यही बताया जा रहा है कि आप लोग दूरियां बरकरार रखें, सतर्क रहें, सजग रहें। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि मैं आपके लिए इतना रिस्क लेके हम लोग सारे मीडिया वाले इसलिए निकलते हैं कि आप लोग अपने घरों में ही रहें और अलर्ट रहें। तमाम टीवियों में, न्यूज़ चैनलों में बार बार अपील की जा रही है कि आप लॉकडाउन के समय में बहुत अलर्ट रहिए, खासकर चेहरे पे मास्क। या आज तो प्रधानमंत्री ने एक नया तरह का संदेश दिया, आप देखे होंगे कि चेहरे पे उनके एक गमछा था, जो गमछा कहते हैं हमारे भोजपुरी में इसको, कि भाई गमछा लगा के, मतलब जरूरी नहीं है कि आप मास्क सिर्फ खरीदें कहीं जाके उसमें पैसे इन्वेस्ट करें, आप रुमाल हो गया, गमछा हो गया, या किसी भी चीज़ से अपने चेहरे को ढाक के रखें, खासकर नाक को, मुंह को, कान को। अगर हमने इस तरीके से अलर्टनेस दिखाई तो मेरा यकीन है दोस्तों कि आपको बहुत और हमको इस कोरोना से बहुत जल्दी आज़ादी मिल जाएगी। चलिए उम्मीद तो है हम सब की, और इसी तरीके से हम हर रोज आपको पूरे शहर का, हर एक एरिया का, गली गली का ब्यौरा देते रहेंगे कि लोग किस तरीके से बात को समझ रहे हैं, कितनी गंभीर है, प्रशासन कितना गंभीर है, पुलिस प्रशासन कितना गंभीर है। मैं फिर से तमाम मेरे पत्रकार भाइयों की तरफ से आपको अनुरोध करता हूं, आप सभी को, कि हम सब इसलिए निकल रहे हैं कि आप लोग घरों में अलर्ट रहें और शांति से अपने दिनचर्या को पूरा करें। ये आ गए हैं दोस्तों मारपा पुल के पास, ये है बिलासपुर की एक नदी आरपा नदी, और ये रहे कुछ मवेशी। तो यहाँ पर हम अपनी बोली को विराम देते हैं, और कल भी हम आपको किसी भी समय अचानक इस शहर में एंटर करके गली या किसी भी एरिया की हम आपको रियलिटी दिखाएंगे, क्या है हकीकत,
ये सारी हकीकत बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।